दोस्तों, ई कॉमर्स सेलर के लिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। कितना चार्जेस हो रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, उसका इनपुट लेना है, टीसीएस कितना है, टीडीएस कितना है, यानी कि आपको एक कॉस्ट शीट बनानी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज आप मार्जिन रखें और उसके अकॉर्डिंगली उसका कितना सेल प्राइस होना चाहिए। ये एक ऐसी शीट है जो सभी ई कॉमर्स सेलर ही नहीं बल्कि सभी बिजनेसमैन को जरूर बनानी चाहिए। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो इसके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो ज़्यादा पसंद हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप नीचे जो नंबर आ रहा है वहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, या फिर जो ईमेल नीचे है उस पर भी आप मुझे कम्युनिकेट करके बताइए कि ये शीट आपको चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको तीन शीट्स बनानी है। एक बनानी है मास्टर, जिसमें हम यहाँ पर आइटम का नाम डालेंगे, उसका एचएसएन, उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है, उसका परचेज प्राइस कितना है, देन अमेजोन कितना कमीशन लेता है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, कोई भी कीवर्ड या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। इसको आप टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। अगर ये टेबुलर फॉर्म में नहीं होगी तो हमें जो ऑटोमेटिक डाटा रिट्रीव करना होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएं। टेबल बनाने के बाद में आप कहीं भी इसको सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस पर क्लिक करें या फिर कंट्रोल टी भी प्रेस करके इसको बना सकते हैं। जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए एचएसएन मास्टर या फिर मास्टर समथिंग लाइक दैट, और इस शीट का भी नाम रख दीजिए मास्टर। एक शीट बनाई है मैंने लॉजिस्टिक चार्जेस, जैसे कि इस शीट ये भी मैंने टेबुलर में फॉर्म में बनाया हुआ है और इसका नाम रखा हुआ है एफ के वेट, मतलब कि ये फ्लिपकार्ट की है, और ये है पेटीएम का जो वेट है उसके चार्जेस क्या लगते हैं। यहाँ पर मैंने वेट लिखा, वेरिएशन ये 0.5, मतलब हाफ के जी, 1 kg, 1.5, लोकल, रीजनल और नेशनल में कितना कितना चार्जेस लगता है, वो शीट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है, ऐसे ही पेटीएम की कर ली है। फाइनली ये हमारी आइटम की शीट होगी। हर आइटम की हम लोग अलग शीट बना सकते हैं, बेटर वही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक आइटम नंबर 1 बनाया था तो मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया। अब ये सारा डाटा ही मुझे सिर्फ चेंज करना है, और नीचे अब मैं यहाँ पर सिर्फ नेम को चेंज करूँगा तो नीचे सारी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यही ऑटोमेटिक किस तरह से हो रही है वो इस शीट में मैं आपको बताता हूँ, प्लस इस कॉस्ट शीट के बारे में भी समझते हैं। तो चलिए पहले हम कॉस्ट शीट के बारे में समझ लेते हैं। ये बिल्कुल इंस्पायर किया गया है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जैसे कैलकुलेशन होके आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं जो नहीं होती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं। बेसिकली आप देखेंगे हमें यहाँ पर वेट डालना होता है, टोटल वेट कितना है। अगर ये 0.5 के अंडर में आता है तो हमें 0.5 लिखना है, अगर कम है तो ऐसा नहीं है कि हम वो पूरा लिखेंगे, एग्जैक्टली वेट नहीं लिखना है, किस कैटेगरी में आता है वो लिखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे यहाँ पर जो फ्रेट की चार्जेस हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस हैं, वो कैलकुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर हमें लिखना है सेल प्राइस, और यहाँ पर जो भी कमीशन आ रहा है वो मैंने वी लुकअप से लगा लिया है। यहाँ पर वी लुकअप लगा के तो ये इसका जो लुकअप रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, इसको मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया। और आप देखेंगे एचएसएन मास्टर की शीट में गया ऑल, और फिफ्थ जो रो है क्योंकि ये अमेजोन का है तो अमेजोन फिफ्थ कॉलम में रहेगा, तो वहाँ से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कमीशन लग रहा है उसको रिट्रीव कर लेगा। ऐसे ये फ्लिपकार्ट, पेटीएम और ये हो गया स्नैपडील का। तीन कॉलम बनाए, लोकल, रीजनल और नेशनल। सेल प्राइस मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिर्फ यहाँ पर लिखना है क्योंकि सेल प्राइस हम एक ही जगह रख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम हर रीजन का अलग अलग रख सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम कोई शिपिंग चार्जेस भी लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका कर लेंगे टोटल। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जीएसटी आउटपुट जो हमें गवर्नमेंट को देना है उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है फार्मूला के थ्रू, ठीक है। वो कैलकुलेशन होगा यहाँ से, ये रेट ऑटोमेटिकली उठ के आएगा आपकी मास्टर से, तो आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी कैलकुलेशन होगा वो ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली है, तो ये ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर आइटम में अगर सेल कर रहा हूँ जिसके ऊपर 5% जीएसटी रेट है, तो 199 का अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो 199 में जीएसटी का आउटपुट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद कमीशन, टोटल जो सेल प्राइस होता है आफ्टर शिपिंग चार्जेस उसके ऊपर कमीशन कितना जाता है वो लग गया। क्लोजिंग फीस है उसका भी फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया। कलेक्शन चार्जेस फ्लैट 2% होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हमें अलग से कुछ बनाना चाहिए था कि
अगर सीओडी या प्रीपेड है तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट ले लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, इसलिए मैंने 2% यहाँ पर लेके रखा हुआ है। देन लॉजिस्टिक चार्जेस भी यहाँ पर वी लुकअप के थ्रू ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे। देन जीएसटी इनपुट, इन सब का मैंने पहले यहाँ पर टोटल कर लिया, और इसके ऊपर में जितना जीएसटी लगा वो मेरा इनपुट रहेगा, मतलब कि जो कि आउटपुट है उसमें से मैं माइनस करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो इसलिए मैंने इनका नाम रखा जीएसटी आउटपुट, ये हो गया इनपुट। अब इसकी परचेज कॉस्ट कितनी है ये डिपेंड करेगा यहाँ पर, आप चाहे तो फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग से निकाल सकते हैं। अगर परचेज प्राइस वेट के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मैं कुछ सेल कर रहा हूँ उसका कितना वेट है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट डिपेंड होती है, तो मैंने यहाँ पर उसको इस तरह से निकाला हुआ है कि जो प्राइस है उसका परचेज प्राइस वो यहाँ पर आ रहा है, और ये 0.5 मतलब कि हाफ के जी है तो आधा ही कीमत लगना चाहिए, तो परचेज कॉस्ट लगा लिया। यहाँ पर भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली पैकिंग कॉस्ट निकाल ली कि फाइनल बॉक्स का साइज, पोलोथीन, और भी अगर हम बबल पैकिंग या कोई भी और पैकिंग आइटम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये आ गया टोटल इनका, और नेट प्रॉफिट कितना आया आप, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका प्राइस कम रखा हुआ था, तो अगर मैं 499 डालता हूँ तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो नेट मेरी सेविंग आ रही है, ठीक है, नेट प्रॉफिट ये आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर फाइनल प्राइस में से आउटपुट गया, देन ये लॉजिस्टिक कॉस्ट गया, लेकिन इनपुट जो है वो मैंने प्लस कर रखा है, मतलब कि वो एड अप होगा, देन कॉस्ट है वो माइनस कर लेंगे, तो जो मेरे को बचेगा वो यहाँ पर ही बचेगा। अब ये 32 क्या है, 32% परचेज के ऊपर में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो परसेंटेज है। तो अगर मैं कोई आइटम को 603 रुपये किलो के हिसाब से बाय करता हूँ और उसे 499 का हाफ के जी पे करता हूँ, मतलब सेल करता हूँ, तो मुझे 32% का प्रॉफिट होता है। अब इसके ऊपर में TCS कितना लगेगा वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, TDS कितना कटेगा वो, ये मेरा कैश आउट हो गया। तो जब भी कभी लोकल का सेल होगा तो 400 रुपये का कैश आउट होना चाहिए, और यहाँ पर 392 का कैश आउट होना चाहिए, और यहाँ पर 376 का कैश आउट होना चाहिए। इस तरह से ही आप यहाँ पर Amazon, Flipkart का बना के एक जगह पर कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर उसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेट है। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर वेट चेंज करता हूँ इसका, तो ये कैलकुलेशन है जो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, यहाँ पर देखिए लॉस आ गया है, तो इसके प्राइस को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, 199 है, ठीक है फ्रेंड। ये तो रही एक बात, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर में जो ये 29 एवरेज प्रॉफिट आ रहा है टोटल का, मैं चाहता हूँ कि इसमें ये मुझे 35% होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे सेल प्राइस कितना रखना है वो कैसे कैलकुलेट होगा, बैक कैलकुलेशन, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं हम गोल सीक। तो हम आएंगे होम टैब पर, सॉरी डेटा टैब पर, यहाँ से जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक फंक्शन। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू को चेंज करना है, सेट सेल ये हमें चेंज करना है टू वैल्यू, ये होना चाहिए 35%। कौन सा वैल्यू को चेंज करना है हमें, हमें चेंज करना है सेल प्राइस, तो देख लेते हैं यस, हमें ये वाला करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, और ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गई। अब देखिए 35% आ रहा है, तो मुझे इस प्रोडक्ट पे अगर 35% का प्रॉफिट लेना है तो सेल प्राइस 525 होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से ये शीट को आप तैयार कर लें, और ये बहुत ही कंपलसरी है आपके लिए, आपके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर इस शीट को आप कॉपी करते जाइए, आइटम्स को ऐड करते जाइए, तो आपका एक मास्टर डाटा तैयार हो गया है कॉस्ट शीट की। होपफुली फ्रेंड ये आपको बिजनेस में हेल्प करेगा। अगर ये शीट आपको चाहिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज डालिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, या फिर व्हाट्सअप पे ही इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन।